नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर के बिकरू कान ने पिछले साल पूरे देश में हलचल मचा दी थी। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग भी बनाया गया था और जानकारी के मुताबिक इस घटना के एक साल बाद न्यायिक आयोग ने एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को क्लीन चिट दे दी है। यूपी सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा में पेश कर दी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने माना है कि विकास दुबे और उसके गैंग को स्थानीय पुलिस के अलावा कानपुर के राजस्व और प्रशासनिक अफसरों का संरक्षण मिला हुआ था। विकास को अपने गांव बिकरू स्थित घर पर दबिश पड़ने की खबर स्थानीय चौबेपुर थाने से पहले ही मिल चुकी थी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर न्यायिक जांच रिपोर्ट रखने की घोषणा की थी और ऐसे में कुछ समय पहले ही बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट जांच आयोग ने सरकार को सौंप दी थी। इस मामले की जांच पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई और 3 सदस्यों की समिति ने की है। आयोग ने अन्य 2 सदस्य हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता थे। अपनी रिपोर्ट में न्यायिक आयोग का कहना है कि पुलिस के पक्ष और घटना से संबंधित साक्ष्यों का खंडन करने के लिए जनता या मीडिया की तरफ से कोई भी आगे नहीं आया है। ऐसे में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने भी पुलिस एनकाउंटर को फर्जी तो बताया था लेकिन वो आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुई थी। इस तरह घटना के संबंध में पुलिस के पक्ष पर संदेह नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट की जांच में भी इसी तरह के निष्कर्ष सामने आए थे। ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। आशीष, अब बिकरू कांड में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है, क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी है और इस पूरे मामले में जिस तरह से बिकरू कांड हुआ था और विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी, लेकिन अब जांच आयोग जो कमेटियां बनी थी उन्होंने उनको जो क्लीन चिट दे दी है। जी जी आशीष, लेकिन देखिए पिछले साल जब बिकरू कांड ये हुआ था तो उस समय ऋचा दुबे भी पुलिस पर कई तरह के आरोप लगा रही थी और कई तमाम वीडियोस और उनके फोटोज भी सामने आए थे जिस पर वो पुलिस को लेकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आई थी, लेकिन अब ऐसे में ऋचा दुबे ने भी अपना पक्ष नहीं रखा है, ऐसा क्यों? बात है कि जिस तरह से ये एनकाउंटर किया गया था और एक बहुत जो है दिल दहला देने वाला मामला था कि जिस तरह से विकास दुबे ने कई पुलिस कर्मियों को हत्या कर दी थी, इसके बाद इस पूरे मामले में ऋचा दुबे जरूर कुछ देर के लिए नाराज थी क्योंकि अंतिम संस्कार के दौरान वो काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कई तरह के आरोप मीडिया पर भी लगा रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस बात का एहसास हुआ कि एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है, पुलिस ने जो किया था उसको लेकर लोगों के मन में एक जो है एक अच्छी 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 पहल गई थी और इस बात को लेकर लोगों को समझ में आया कि नहीं, जो पुलिस ने किया वो एक दुर्दांत अपराधी के साथ किया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ। जी जी बिल्कुल आशीष, जो विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट सौंपी गई है वो 132 पेज की है, उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा कल पर जो रिपोर्ट पेश थी उसमें साफ तौर पर इस बात का इशारा किया गया कि पुलिस के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे उन सभी के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति सामने आकर उनका क्रॉस करने नहीं आया, किसी ने भी कोई दूसरा पक्ष नहीं रखा है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए जो है पुलिस कर्मियों को निर्दोष करार दिया गया है। जी जी चलिए आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें पिछले साल पूरे देश में चर्चा में रहा था बिकरू कांड, अब इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि एक जांच आयोग भी गठित किया गया था जिसमें कल बता दें विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, 132 पेज की ये रिपोर्ट थी जिसमें कई साक्ष्य रखे गए हैं। ऐसे में उन सभी के आधार बनाते हुए अब यूपी पुलिस को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी गई है।
देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश के कई राज्यों ने से निपटने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार राज्यों का फोकस बच्चों पर है और देश भर में स्कूलों के खुलने के साथ ही बच्चों को कोविड की संभावित तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। कई राज्यों ने अपने अपने अस्पतालों में बच्चों के लिए ज्यादा बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम भी करना शुरू कर दिया है। साथ ही देश में कई वैक्सीन निर्माता कंपनी भी बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के ट्रायल फेज में चल रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। और ऐसे में भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते जिस तरह अमेरिका में बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा सतर्क हो गया है। अमेरिका में अब तक कई बच्चों को डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ऐसे में बता दें कि देश में अप्रैल और मई में कोविड की दूसरी लहर के दौरान हजारों लोगों ने ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटी की कमी के चलते अपनी जान गंवा दी थी। अब अगले कुछ महीनों में कोविड की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। और बता दें कि देश के लगभग 11 राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल भी खोल दिए हैं, जिसके बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि डेल्टा वेरियंट बच्चों पर ज्यादा असर करता है। तो ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही बच्चों पर इस बार ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही ये कहा गया था, एक्सपर्ट्स लगातार ये चिंता जता रहे थे कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उस पर हो सकता है कि इसका ज़्यादा असर बच्चों पर देखा जाए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी हैं। रूबी, अब राज्य सरकारों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, यूपी में क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि स्कूलों में जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। टीचर हो या प्रिंसिपल हो, खास निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि गुरुवार के दिन यानी कल के दिन विधान परिषद में एक और भी बातचीत सामने निकल के आई थी कि स्कूलों में जो स्टूडेंट होंगे उनकी जो अटेंडेंस होगी वो अनिवार्य नहीं होगी, क्योंकि जो पेरेंट्स चाहेंगे उन्हीं के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और अगर उनका आने का नहीं होगा तो वो नहीं आए। ऐसे में जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उन्होंने भी ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से इजाजत मिलती है उन्हीं बच्चों को आने का मौका दिया जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसे में जो स्कूलों में तैयारियां हैं वो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और सैनिटाइजर हो, मास्क हो, डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। सीट जो है वो दूर दूर से बना के रखे गए हैं। टीचर को भी खास निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर बच्चे आते हैं तो उनको खास ध्यान रखा जाए कि वो आपस में ज्यादा ना बैठे और दूरी का खास ख्याल रखे, यानी कि मास्क का भी यूज करें। बिल्कुल रूबी, लेकिन देखिए ये तो स्कूलों की बात हो गई, लेकिन अस्पतालों की तैयारियां क्या किस तरह से चल रही हैं? क्योंकि देखिए कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो उसमें बात यूपी की कर लें, दिल्ली की कर लें, किसी भी राज्य की कर लें, तो अस्पतालों की स्थिति जो थी वो ज्यादा खराब नजर आई थी। तो इस समय अस्पतालों को लेकर क्या कुछ सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, सरकार तो शुरू से ये कह रही है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारी जो लड़ाई है कोरोना को लेकर बिल्कुल तैयारी में है और ऐसे में कोई भी मामला सामने आएगा उसके लिए हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने जो डिपार्टमेंट है, सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको हम ये निर्देश दे चुके हैं। लेकिन अब ये देखना उस टाइम होगा जब स्कूल खुल जाएंगे और ऐसे में कई मामले निकल के आएंगे कि वाकई में जो सरकार है उनकी पूरी खुलती है या सरकार अपनी खुद मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। जी, चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग सतर्क होता नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम राज्यों ने अभी से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो बच्चों पर किया जा रहा है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के बाद से ही लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उसका असर बच्चों पर ज़्यादा देखा जाएगा। और ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब हजारों लोगों को ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटी की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो इसको लेकर अब अस्पतालों में तैयारियां जो हैं वो ज़्यादा बड़े स्तर पर की जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, यूपी में हो या किसी और राज्य में हो। हर राज्य सरकार इस तरह से
कोई भी कमी इस बार ना रहे, इसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से ही करके रखना चाहते हैं और इसीलिए अब बच्चों पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है और ऐसे में उम्मीद भी की जा रही है कि साल के अंत तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन हो सकता है कि आ जाए, ताकि बच्चों पर जो कोरोना का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा लगातार यही जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण ज्यादा हो सकता है, तो उसको लेकर लगातार वैक्सीन के लिए भी ट्रायल जो है वो किए जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद ये है कि ट्रायल फेज के बाद इस साल के अंत तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है वो आ जाएगी और बच्चों में संक्रमण भी कम हो जाएगा। ऐसे में बता दें कि भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते जिस तरह से अमेरिका में बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि देखिए अमेरिका में बच्चों में संक्रमण फैलना शुरू हो चुका है और ऐसे में भारत में भी लगातार यही बात सामने आ रही थी। यही एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि तीसरी लहर के दौरान बच्चों में ज्यादा संक्रमण फैल सकता है, तो इसीलिए स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा अलर्ट और सतर्क है, इसीलिए अपनी तैयारियां जोर पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। साथ ही अमेरिका में अब तक कई बच्चों को डेल्टा वेरियंट से संक्रमित के बाद अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार, उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड में जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका जो संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके जो कई मरीज है वो जगह जगह पर मिल भी गए हैं, तो जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट हो गया है और जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है प्रत्येक जिले के, सभी को सूचित किया गया है और जो SOP है और जो नियमावली है कि किस तरह से जो जिले में या अन्य जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां हैं वो लगभग शासन द्वारा की गई, जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। जी इंतजार, ऐसे में जब अब उत्तराखंड में भी स्कूल जो है वो बच्चों के लिए खुल गए हैं और इसलिए देखिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार बच्चों पर जो है संक्रमण की आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ऐसे में बच्चों को लेकर क्या खास तैयारी की गई है, क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती सामने आ जाती है कि किस तरह से संक्रमण फैलने से रोका जाएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो उत्तराखंड में तीसरी कोरोना की तीसरी लहर का जो प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका खासा जो असर है वो बता दिया गया है कि बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो बच्चे स्कूल जो खोले हैं और जो SOP है, नहीं लगता है कि बच्चों को किसी तरह की कोरोना गाइडलाइंस का पालन बच्चे कर पाएंगे, लेकिन जो टीचर्स है सभी को अलर्ट किया गया है कि बच्चों को आपको किस तरह से पढ़ाई का जो शिक्षण कार्य है वो किस तरह से आपको चलाना है और बच्चों को किस तरह डिस्टेंसिंग के तरह से बैठा करके क्लासरूम में और जो अन्य SOP है वो बच्चों को फॉलो कराई जानी है, जिससे बच्चों को भी इस कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके। लेकिन हर स्कूल में जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है और जो बच्चों के, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चों से कोरोना का किस तरह से पालन प्रोटोकॉल्स का कराया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को जो है सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि स्कूल खोल दिए जाएंगे जबकि तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है? देखिए बताना चाहूंगा कि जो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा बच्चों के स्कूलों को खोलने के फैसले लिए गए हैं, तो पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तो स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं और जो शिक्षण कार्य है बिल्कुल जीरो चल रहा है, तो बच्चे हर तो जो छोटे तबके के लोग हैं या कुछ अन्य लोग हैं जिस तरह के जो ऑनलाइन क्लासेस थी, तो बच्चे उस तरह से अपने आप को नहीं ढाल पा रहे थे और स्कूल का खोलने का जो कार्य है ताकि शिक्षण कार्य चलता रहे, तो इसलिए स्कूल के जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। लेकिन फैसला सही है या गलत है इसका अभी आने वाले समय में पता लगेगा, यदि बच्चों के अंदर इसे जो कोरोना तीसरी लहर का जो प्रकोप यदि बढ़ता दिखाई देता है तो सरकार को शायद इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा। जी इंतजार, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां चल रखी हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में भी जो बच्चों के अस्पताल हैं या बड़े जो अस्पताल हैं जहां पर बच्चों का भी जाना है, बीमारियां भी हैं, तो
सभी को एक SOP जारी की गई है कि बच्चों का जो इलाज है वो किस तरह से करना है और क्या SOP सभी डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, सभी को जारी आदेश कर दिए गए हैं। तो उसी के अनुसार डॉक्टर्स बच्चों का भी इलाज कर रहे हैं और बड़ों का इलाज जो हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं ताकि जो तीसरी लहर है इससे बचाया जा सके लोगों को। जी जी चलिए, इंतजार आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में भी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार सतर्क होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में बच्चों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए हम तमाम राज्यों के संवाददाताओं को अपने साथ जोड़कर आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस राज्य में किस स्तर की तैयारी की जा रही है। यूपी से हमने आपको दिखाया कि किस तरह की तैयारी चल रही है, फिर उत्तराखंड में भी तैयारियों का क्या रुख है वो आपको बताया। और ऐसे में आप बता दें कि अब अगले कुछ महीनों में कोविड की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही ये पहले ही कह दिया गया था कि अगस्त या सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर जो है वो देश में आ सकती है और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और देश के लगभग 11 राज्यों ने अपने यहाँ पर स्कूल खोल दिए हैं, तो ऐसे में और ज्यादा सतर्कता रखने की राज्य सरकारों को जरूरत है क्योंकि बच्चों पर ही सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का डर है। और ऐसे में स्कूल खुलने होने से सबसे ज्यादा चिंता का यह विषय बन जाता है। और ऐसे में बता दें कि बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि स्कूल लगातार 11 राज्यों में खोल दिए गए हैं पिछले महीने से ही। हालांकि देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि डेल्टा वेरियंट बच्चों पर सबसे ज्यादा असर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। तो बता दें, बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार चिंता जो है वो जताई जा रही है और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो भारत में भी मिल चुका है, उसमें अमेरिका में वहाँ बच्चों में डेल्टा वेरियंट पाया जा रहा है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अमेरिका में अस्पतालों में भी भर्ती कराना पड़ रहा है। ऐसे में इसीलिए और ज़्यादा चिंताएँ बढ़ गई हैं और ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि 11 राज्यों ने अपने यहाँ पर स्कूल भी खोल दिए हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का और ज़्यादा खतरा जो है वो पैदा हो सकता है, इसीलिए राज्य सरकारें और चिंता जताते हुए बहुत ही सतर्कता बरत रही हैं और लगातार जो है फोकस बच्चों पर इस बार किया जा रहा है क्योंकि कोरोना की अगर पहली लहर की बात कर ली जाए तो कोरोना की पहली लहर में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोगों पर असर देखने के लिए मिला था और कोरोना की दूसरी लहर की बात कर ली जाए तो दूसरी लहर के दौरान युवाओं पर असर देखने को मिला था। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। प्रांजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। और प्रांजल जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, जिस तरह से देखिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बार बार आशंकाएं जताई जा रही है और ऐसे में अब सरकार भी और ज्यादा अलर्ट हो गई है क्योंकि बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, तो ऐसे में आप किस तरह से क्या राय देना चाहेंगे कि बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह से बचाया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्कूल भी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, पहले 9वीं से 12वीं तक के खुले, अब 5वीं से 8वीं तक के खुल रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स के लिए, सभी अभिभावकों के लिए, टीचर्स के लिए, जितने भी स्कूल में और स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, सभी के लिए ये आवश्यक है कि वो बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें, उनको लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताएं, जिसमें कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, एक दूसरे से कुछ ज्यादा शेयरिंग ना करें थोड़े दिनों तक जब तक कोरोना और है, जितना डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, जो भी सुरक्षा संबंधित ज्यादातर कदम उठाए जा सकते हैं उनके बारे में समय समय पर बच्चों को बार बार बताते रहें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए एक बार बता दिया और हो गया, क्योंकि उसके बच्चे हैं, बच्चों को रिपीटेडली कोई भी चीज अगर समझाई जाएगी तभी समझ में आती है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से और एजुकेशनल प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को
सारी चीजें अपडेट रखना चाहिए, साथ ही जितना यथासंभव कोशिश हो सके अभी भी ऑनलाइन क्लासेस करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जी प्रांजल जी, अगर मैं आपकी राय जानना चाहूं कि क्या ये सही समय था कि स्कूल जो है इस समय खोल दिए गए, क्योंकि देखिए पहले से ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी कि अगस्त या फिर सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर जो है वो आ जाएगी और इसका असर बच्चों पर देखा जाएगा, तो ऐसे में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल खोल दिए गए, तो क्या ये सही समय था? जी बिल्कुल, मतलब मुझे इसमें जो मेरा व्यक्तिगत अगर आप ओपिनियन ले तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती कि स्कूल खोले जाएं, क्योंकि लगभग लगभग अब सभी चीजें ओपन हो चुकी हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, धीरे धीरे सिनेमा हॉल भी खुलने ही वाले हैं, सारे पार्क ओपन है, पूरी पब्लिक सड़कों पर है, तो अगर कोविड फैलना होगा तो वैसे भी पहले का स्कूल बंद रखने से केवल बच्चों की पढ़ाई का ही नुकसान हो रहा है और जिस वजह से हमारे देश का भविष्य अंधकार में जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये फैसला ठीक है और बस इसके साथ आवश्यक ये है कि जो भी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है वो सावधानियों में चीज सही होनी चाहिए, और जैसे ही किसी भी शहर में किसी भी ब्लॉक में ऐसा लगता है कि अब केसेस बढ़ रहे हैं तो वहां पर स्कूल को दोबारा बंद करने में समय नहीं लगाना चाहिए। जी प्रांजल जी, अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं तो किस तरह से बच्चों को प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना की तीसरी लहर में किस तरह का संक्रमण होगा, क्या उसके सिम्टम्स होंगे ये अभी पता नहीं, क्योंकि कोरोना हर बार अपना रूप बदल रहा है, तो एक अगर मेजर तौर पे मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों को या फिर आम लोगों को भी? देखिए प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि कहीं भी जैसे बच्चों की आदत होती है कई बार लापरवाही करते हैं, ठंडा गर्म कर लिया, आइसक्रीम खा लिया स्कूल के बाहर या आते वक्त जाते वक्त कभी भी, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो ठंडा गर्म जैसी या कोई भी ऐसी चीज हरकतें ना करें जिससे उनको जो है तबीयत खराब होने का कोई चांस रहे और उनकी इम्यूनिटी कम हो। दूसरा उनको ये आवश्यक है कि सभी स्कूल्स में वाटर कूलर बंद कर दिए जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है ठंडा पानी नुकसान करता है, तो सब बच्चे या तो सादा पानी पिए या हल्का गुनगुना पानी पिए और साफ पानी उनको मिलना आवश्यक है। आजकल हम लोग देख रहे हैं जैसे लखनऊ में और कुछ और शहरों में कहीं कहीं खराब पानी की वजह से डायरिया जैसी दिक्कतें बहुत फैल रही हैं, वायरल फीवर बहुत फैल रहा है, तो ये सब में आवश्यक है कि पानी साफ हो, मास्क सब लोग लगाएं जितना संभव हो, सर्जिकल मास्क ही लगाए लेकिन मास्क का लगाए रखना जरूरी है। जी चलिए तो, प्रांजल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों को किस तरह से प्रिकॉशंस का पालन कराया जाना चाहिए और ऐसे में इसीलिए अब स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है और साथ ही अब राज्य सरकारें जो हैं तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए 120 भारतीयों के शुक्रवार को यानी कि आज हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि विमान काबुल एयरपोर्ट पर उड़ान भर चुका है और ऐसे में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए अफगानिस्तान के दूतावास ने जोहेब नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया था। उन्होंने सभी को सुरक्षित विमान तक पहुंचाया और जोहेब ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर 120 भारतीय बुधवार से भारत आने का इंतजार कर रहे थे और ये सभी एयरपोर्ट पर बने एक कमरे में बैठे थे। इन्हें ब्रिटिश आर्मी की बात भी समझने में समस्या हो रही थी, इसीलिए अफगानिस्तान के दूतावास ने उन्हें भारतीयों को सुरक्षित रनवे तक ले जाने और विमान में बैठाकर भारत लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ऐसे में बृहस्पतिवार शाम को सभी को विमान में बिठा दिया गया था और विमान में ज्यादातर लोग उत्तराखंड के शामिल हैं। जुहेब ने बताया कि काबुल से जामनगर होते हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर विमान के पहुंचने की संभावना है और साथ ही विमान से स्वदेश लौट रहे देहरादून के एक नागरिक ने बताया है कि उनके सभी साथी हिंडन एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे और कुछ लोग दार्जिलिंग के लिए भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि विमान में बैठने से पहले सभी ने अपने परिवारों को सूचित कर दिया था और एक बार भारत पहुंच जाए तो फिर दोबारा कभी भी अफगानिस्तान नहीं लौटेंगे।
चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? जो विमान आज काबुल से भारत आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि देहरादून या फिर उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में कितने लोग उत्तराखंड के हैं? सुभाष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बता दें, आज काबुल से एक विमान आने वाला है, हिंडन एयरबेस पर विमान पहुंचेगा, और ऐसे में कहा जा रहा है इस विमान में 120 भारतीय शामिल हैं और इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो उत्तराखंड के हैं, और हिंडन एयरबेस पर यह विमान पहुंचेगा। कल की विमान जो है, कल विमान में भारतीयों को बैठाया गया था, पिछले कई दिनों से भारतीय परेशान थे, ऐसे में इन भारतीयों को विमान में बैठाया गया, तो अब इनका इंतज़ार भारत पहुंचने का किया जा रहा है। हिंडन एयरबेस पर यह विमान लैंड करेगा, वहां से सभी यात्री जो हैं वो देहरादून के लिए जाएंगे, कुछ लोग हैं जो दार्जिलिंग जाएंगे। ऐसे में लगातार ये लोग भी अपने परिवार से संपर्क कर रहे थे और इनके परिवार वाले भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे मदद की, किसी भी तरह उनके लोगों को जल्द से जल्द काबुल से निकाला जाए और अपने देश जो है वापस लाया जाए। इसीलिए कई लोग जो हैं कई दिनों से परेशान थे, लेकिन अब आज जो है काबुल से एक विमान आ रहा है। विपक्षी दलों को एकजुट करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम को एक सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बता दें, सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं और हफ्ते भर पहले खत्म हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान भी सरकार को घेराबंदी में विपक्षी दल एकजुट नजर आए थे। शुक्रवार को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के बड़े नेता चर्चा करेंगे और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र, पेगासस जासूसी कांड, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन से लेकर अफगानिस्तान के हालात तक पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव और उससे पहले आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी विरोधी मोर्चे को लेकर विपक्षी नेताओं में क्या बात होती है। दरअसल पिछले महीने के अंत में भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को जरूरी बताया था। ऐसे में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक के लिए किन किन पार्टियों को नेताओं को न्योता भेजा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल से इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।